दोस्तों साल 2023 में वैग कर दिखाएगा इसरो जो नासा दशकों तक नहीं कर सका। जी हाँ, चंद्रयान 3 से लेकर गगनयान तक इस साल आसमान में कई करिश्मे कर सकता है इसरो। 1960 का समय था जब भारत ने अंतरिक्ष में अपनी धाक जमाने के लिए अपनी यात्रा शुरू की थी। देश के पहले सैटेलाइट आर्यभट्ट को रूस से लॉन्च किया गया, जबकि भारत की सरजमी से पहला रॉकेट 1963 में लॉन्च किया गया। और तब से लेकर आज तक भारत ने कई अंतरिक्ष अभियानों को अंजाम तक पहुंचाया है और स्पेस में सफलता के झंडे गाड़े हैं। और बिना इसरो के यह बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाता। और दोस्तों आने वाले समय में भारत को सुपर पावर बनाने के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, लेकिन यह कैसे होगा, इसलिए इस बारे में अब विस्तार से जानते हैं। दोस्तों साल 2022 की बात की जाए तो यह वक्त भारत के लिए काफी अहम था और इस दौरान इसरो ने भारत के पहले प्राइवेट रॉकेट को लॉन्च करने के साथ साथ कई कीमती विमान बनाए और स्पेस सेक्टर में भारत को सुपर पावर बनाया। और अब साल 2023 में भारत की आन बान और शान और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। स्पेस सेक्टर में भारत वह करिश्मा करके दिखाने वाला है जिसके बारे में शायद दुनिया की बड़ी से बड़ी स्पेस एजेंसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। सबसे पहले तो आपको ये बता दे कि चंद्रयान 3 का लैंडर अपने टेस्ट में पास हो चुका है। लैंडर यानी कि वह उपकरण जो चंद्रयान के साथ जाएगा और लैंड करवाएगा चंद्रमा की सतह पर, इसका टेस्ट पास हो चुका है और अब इसी साल जून में चंद्रयान 3 लॉन्च हो सकता है। बता दें कि सैटेलाइट मिशन के तहत स्पेस में एनवायरनमेंट में सैटेलाइट सब सिस्टम की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेवल्स के साथ फंक्शनैलिटी और कैपेबिलिटी के लिए टेस्ट की जाती है। साफ शब्दों में आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि भारत अब चांद को चूमने के लिए और करीब आ चुका है और अब इस टेस्ट को मून मिशन के लिए मील का पत्थर बताया जा रहा है। चंद्रयान 3 के 3 मेन मॉड्यूल हैं, प्रोपल्सन मॉड्यूलर, लैंडर मॉड्यूलर और रोवर। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि दोस्तों चांद पर कदम रखे तो दुनिया को 50 साल से ज्यादा वक्त बीत चुका है, ऐसे में भारत अगर चांद के मिशन पर लगा है तो इससे बड़ी बात क्या हो गई। लेकिन बड़ी बात यह है कि अमेरिका, रूस और चीन को चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग पर सफलता मिली है। और सॉफ्ट लैंडिंग होता है किसी भी सैटेलाइट को किसी लैंडर से सेफली उतारना और उसके बाद यह तय करना होता है कि वह अपना काम सही ढंग से करे। और यह चंद्रयान 3 मिशन इसरो के आने वाले कई बड़े मिशन के लिए रास्ता खोल देगा। यानी यह वह टेक्नोलॉजी है जिसे अगर इसरो ने मास्टर कर लिया तो फिर मंगल मिशन में यह सॉफ्ट लैंडिंग भारत की काफी मदद करेगी। यानी कि भारत की यह टेक्नोलॉजी विकसित हो जाएगी जिसकी मदद से किसी भी ग्रह पर उतरा जा सकता है। इस वजह से चांद पर खोज करने के लिए यह बेहद खास और जरूरी मिशन है। आपको बता दें कि साल 2019 में चंद्रयान 2 असफल हो गया था, जिस वक्त रोवर चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला था अचानक उसका लैंडर विक्रम से संपर्क टूट गया था। इस वजह से मून मिशन अधूरा रह गया था। लेकिन अब इसरो की चीजें माने तो चंद्रयान 3 मिशन पहले से कहीं अधिक मजबूत चंद्र रोवर के साथ उड़ान भरेगा, क्योंकि भविष्य में मिशन्स के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। यानी कि इसरो के आगे आने वाले स्पेस मिशन्स में काफी ज्यादा मदद करेगा। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग GSLV Mark 3 रॉकेट से होगी। इसरो के चीफ ने चंद्रयान 3 के बारे में बताया कि इसमें रोवर है और इंजीनियरिंग पहले के मुकाबले बिल्कुल अलग है। यह चंद्रयान 2 की कॉपी बिल्कुल भी नहीं है और साथ ही यह मजबूत और बेहतर उपकरणों से लैस होगा। ऐसे में यह आगे आने वाले समय में इसरो के लिए कई और जरूरी मिशंस के लिए रास्ता तैयार करने का काम करेगा और साथ ही यह उस सपने को पूरा करेगा जो चंद्रयान 2 के दौरान पूरा नहीं हो पाया था। ऐसे में दोस्तों इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों एरो इंडिया 2023 एक काफी सफल प्रोग्राम रहा जिसमें दुनिया भर के कई देशों की तरफ से अपने रक्षा उपकरण भारत में प्रदर्शन के लिए भेजे गए और भारत ने इनमें से कई रक्षा उपकरणों को देखा जो भारत को पसंद भी आए। लेकिन इन सब के बीच अब दुनिया भर में भारत के तेजस को लेकर उत्सुकता बढ़ रही है, क्योंकि जैसे जैसे भारतीय वायुसेना तेजस विमानों को अपने बेड़े में शामिल करेगी, बिल्कुल वैसे ही दुनिया भर के देशों का भरोसा इस विमान पर बढ़ेगा। साथ ही अब हम देख सकते हैं कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को लेकर दुनिया भर के काफी देश इंटरेस्टेड है और भारत के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं, जिसमें मलेशिया और उसके बाद अर्जेंटीना और इजिप्ट ने तेजस फाइटर विमानों को खरीदने के लिए भारत से बातचीत शुरू कर दी है।
और इसी कड़ी में अब दक्षिणी अफ्रीका के एक देश ने तेजस फाइटर विमान की डिमांड कर दी है, जिसने अफ्रीका के साथ साथ दुनिया भर के देशों को हैरान कर दिया है। क्योंकि इस अफ्रीकी देश ने तेजस में अपना इंटरेस्ट दिखाने से पहले स्वीडन के कर्पन फाइटर विमानों को रिजेक्ट किया था, जो कि इस बात को दर्शाता है कि कैसे कर्पन तेजस का मुकाबला लाइट कॉम्बेट कैटेगरी में नहीं कर सकता। और भारत का तेजस आने वाले समय में दुनिया के कई देशों में ऑपरेट किया जाएगा, जो रक्षा निर्यात के क्षेत्र में भारत की सबसे बड़ी सफलता होगी। क्या है पूरी खबर, चलिए अब आपको विस्तार से इसके बारे में बताते हैं। दरअसल दोस्तों, दक्षिणी अफ्रीका के एक काफी विकसित देश बोस्वाना ने भारत के तेजस फाइटर विमान में अपनी रुचि दिखाई है, और यह देश अपने पास मौजूद पुराने CF-5A विमानों को रिप्लेस करने के लिए भारत के लाइट कॉम्बेट एयरक्राफ्ट यानी कि तेजस को खरीदना चाहता है। आपको बता दें कि बोत्सवाना अफ्रीका के कुछ विकसित देशों में से एक है, जहां का GDP पर कैपिटल भार से भी काफी अच्छा है, जो इस देश के HDI को मीडियम रैंक देता है। वहीं इसमें मात्र 26 लाख के करीब लोग रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इस देश की अर्थव्यवस्था $17 अरब की है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतनी कम आबादी और इतनी ज्यादा GDP होने की वजह से इस देश के लोग कितना अच्छा जीवन बिता रहे हैं। साथ ही बोत्सवाना में मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर और राजनीतिक स्थिरता भी दूसरे अफ्रीकी देशों के मुकाबले काफी अच्छी है। यह भारत से 7500 किलोमीटर दूरी पर मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद भी यह देश स्वीडन के ग्राइपन को रिजेक्ट करके भारत से तेजस की खरीद करना चाहता है। ग्रिपेन को रिजेक्ट करने का सबसे बड़ा कारण इस विमान की ऊंची कीमत है, जो कि इस देश के लोग हजम नहीं कर पा रहे हैं। जैसे ही सरकार ने फैसला लिया कि वे स्वीडन के ग्रिपन विमानों को खरीदेंगे, इसके बाद ही तुरंत बोत्सवाना में इसका विरोध शुरू हो गया कि आखिर इतने महंगे फाइटर विमानों को खरीदने का क्या तर्क बनता है, और वह भी तब जब यह विमान लाइट कैटेगरी के हैं। इसके बाद भी बोत्सवाना भारत से तेजस खरीदने में ज्यादा इंटरेस्टेड है, और इसके लिए बातचीत अब शुरू हो सकती है, क्योंकि बोत्सवाना के पास अभी कोई खास फाइटर विमान मौजूद नहीं है। इसलिए अगर भारतीय तेजस बोत्सवाना की वायुसेना में अपनी जगह बनाता है, तो शुरुआती तौर पर यह डील 12 से लेकर 20 फाइटर विमानों के लिए हो सकती है, और आगे जाकर इनकी संख्या 60 से 75 तक हो सकती है, क्योंकि तेजस अपनी कीमत के मुकाबले काफी भरोसेमंद और शक्तिशाली जेट है। दोस्तों कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पहले मलेशिया और फिर अर्जेंटीना और उसके बाद इजिप्ट और अब बोत्सवाना, ये सभी देश ऐसे हैं जो भारत से तेजस खरीदने में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है, और बहुत ही जल्द तेजस फाइटर विमानों की सेल को लेकर कोई बड़ी खबर आ सकती है, जो रक्षा निर्यात के क्षेत्र में भारत की बड़ी सफलता होगी। लेकिन यह सब तभी संभव हुआ जब खुद भारतीय सेना ने 80 से ज्यादा संख्या में तेजस फाइटर विमानों को खरीदने का फैसला किया, और ये भारत की तरफ से उठाया गया एक बहुत ही अच्छा कदम था। तो दोस्तों ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।